हेलो, इस वीडियो में हम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो जब हम पावर पॉइंट में काम करते हैं तो हम कट, कॉपी या पेस्ट करते हैं। किसी भी टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के बाद हम कोई नया टेक्स्ट या इमेज को कट या कॉपी करते हैं, तो पहले वाला टेक्स्ट या इमेज जिसे हमने कट या कॉपी किया था वो चला जाता है और वहाँ पर नया टेक्स्ट या इमेज हमारे पास आ जाता है। तो पावर पॉइंट में हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है क्लिपबोर्ड। ये हमारा क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें 24 आइटम्स जो कि हमने कट या कॉपी किए हैं टेम्परेरी हमारे क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाते हैं। तो जब हम 24 से ज़्यादा टेक्स्ट या इमेज कट या कॉपी करते हैं तो हमारे पास पहले वाला जो कि सबसे पहले हमने कट या कॉपी किया था वो चला जाता है और बाद वाले टेक्स्ट या इमेज आते जाते हैं। ये जो क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट या इमेज होते हैं इनको हम बिना कट या कॉपी किए अपने वर्क स्पेस एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से क्लिपबोर्ड को ओपन करेंगे। ये हमारे पास स्लाइडें हैं, यहाँ पे एरो पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लिपबोर्ड पैन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब हम जो भी यहाँ पे कट या कॉपी करेंगे ये हमारे यहाँ पे क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम सपोज करो ये हमने सेलेक्ट किया कम्युनिकेशन चैनल, ये सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे कट किया। कट करने के बाद ये देखो हमारे यहाँ पे क्लिपबोर्ड एरिया में ये आ जाएगा कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पे हमने इसको कट किया, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये नीचे पेस्ट हो जाएगा। तो ये कट करने के बाद हमारे यहाँ पे क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। अगर इसी तरह अगर अगला है हमारे पास मॉडम, इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, इसको कॉपी किया। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे मॉडम आ जाएगा। इस प्रकार जो भी हम कट या कॉपी करेंगे वो हमारे क्लिपबोर्ड पेन में आ जाएगा। तो दूसरा ये कंप्यूटर है, इसको भी यहाँ से हम क्या करते हैं, ये कॉपी करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा। कॉपी अगर इसको यहाँ पे हमने नीचे यहाँ पे कॉपी करना है तो यहाँ पे पेस्ट कर दिए ये, तो ये नीचे पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी हम यहाँ पे कट या कॉपी करेंगे ये हमारे क्लिपबोर्ड में यहाँ पे आते जाएंगे। सपोज करो ये हमारे पास थर्ड ये स्लाइड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारी इमेज है, इसको भी हमने कॉपी करना है। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कॉपी यहाँ पे गए, कॉपी किया, ये यहाँ पे कॉपी हमारे क्लिपबोर्ड यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो कॉपी होने के बाद अगर हम ये जो है जो हमने यहाँ पे कट या कॉपी किए हुए हैं इसको अप्लाई करना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक न्यू स्लाइड लेंगे, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद एक नई स्लाइड हमें चाहिए तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास नई स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे हमने सपोज करो ये जो हमारी अमेज है इसको यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे अमेज पे, ये हमारा मोर बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये नीचे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक पेस्ट का ऑप्शन है, एक डिलीट का ऑप्शन है। तो हम पेस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये
अमेज हमने यहाँ पे सेट कर दी। इसके बाद अगर हमें कंप्यूटर को पेस्ट करना है तो हम यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह मॉडम चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडम आ जाएगा। अगर अगला भी हमने यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कम्युनिकेशन चैनल, यहाँ पे क्लिक किया ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार क्लिपबोर्ड के जरिए हम बिना कट कॉपी किए किसी भी टेक्स्ट को अपने वर्क स्पेस एरिया में पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर यही हम देखना चाहते हैं कि ये जो हमने कट और ये जो पेस्ट कॉपी किया हुआ है यहाँ पे क्लिपबोर्ड एरिया में जो हमने कट और कॉपी किया हुआ है, इसको अगर हम देखना चाहते हैं कि ये हमने अपने एमएस वर्ल्ड में भी अप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे। ये हमारे वर्ल्ड में भी होगा, ये हमारे एक्सेल में भी होगा। जैसे ही हम एमएस वर्ल्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारा एमएस वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये जो हमने पावर पॉइंट में कट और कॉपी किया था ये एमएस वर्ल्ड के क्लिपबोर्ड ग्रुप में भी आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही होम टैब को हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। यहाँ पे एरो बटन पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारा क्लिपबोर्ड पैन यहाँ पे खुल जाएगा। खुलने के बाद ये जो हमने कट और कॉपी किया था यहाँ पे आ जाएगा। अब हम एमएस वर्ल्ड में इसी को अपने यहाँ पे वर्क स्पेस एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे ये हो गया, ये होने के बाद कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे पेस्ट कर देंगे, ये कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा। मॉडम चाहिए, ये मॉडम आ जाएगा। अगला कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, यहाँ पे पेस्ट करना है, ये कम्युनिकेशन चैनल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये जो हमने कट कॉपी किया था ये हम अपने एमएस वर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको एक्सेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक्सेल ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर हम क्लिपबोर्ड को ओपन करेंगे, यहाँ पे गए तो यहाँ पर भी ये जो हमने कट और कॉपी किया था यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये जैसे अमीज हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है तो अमीज यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अमीज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट होने के बाद अगर हमें ये कंप्यूटर चाहिए, यहाँ पे हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, ये कंप्यूटर जो है यहाँ पे आ जाएगा। मॉडम चाहिए तो मॉडम के लिए यहाँ पे क्लिक किया, ये मॉडम आ जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी हमने कट या कॉपी किया होता है उसको हम एमएस वर्ल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं और पावर पॉइंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली कमांड के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अगली कमांड को जाने के लिए जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिपबोर्ड इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये हमारी फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जो अगली कमांड है हमारी क्लिपबोर्ड ग्रुप में वो है फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करेंगे। सपोज करो यहाँ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है इसको फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग यहाँ पे की जैसे इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे इसको कलर में कर दिया, ये इस कलर में कर दिया। तो कलर करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं, ये जैसे सपोज करो 36 ये साइज़ किया, ये इसमें हमने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी।
फॉर्मेटिंग करने के बाद अगर हम ये जो फॉर्मेटिंग की हुई है इस फॉर्मेटिंग को अपने इस टेक्स्ट में लाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पे जाएंगे। फॉर्मेट प्रिंटर पे जाने के बाद ये कर्सर में यहाँ पे ये ब्रश का सिंबल आ जाएगा। ये जिस जहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है फॉर्मेट प्रिंटर को, वहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे मॉडम के ऊपर क्लिक किया, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये जो भी फॉर्मेटिंग ऊपर की थी वो नीचे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, और ये जो ब्रश का सिंबल है ये चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये ब्रश का सिंबल हमने इसको भी फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पे कमांड यूज़ करनी है, यहाँ भी यूज़ करनी है, यहाँ भी यूज़ करनी है, तो ये ना जाए, ये जो फॉर्मेट प्रिंटर का सिंबल है ये ना जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करेंगे। ये डबल क्लिक किया, अब हम मल्टीपल टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये सेकंड सर्विस यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद ये देखो फॉर्मेट प्रिंटर का सिंबल यहाँ से नहीं गया। इसके बाद कम्युनिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको, इसके बाद ये कंप्यूटर है नीचे इसको सेलेक्ट किया। तो अब हम इसको बहुत सी जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने इसको हटाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो ब्रश का सिंबल है यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में जाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।